मम्मी जी का ना बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। अच्छा तो कहाँ पे है माँ? मम्मी जी ना मेरे पास ही बैठी है, आराम कर रही है ना। ठीक है, मम्मी से बात कराना। अच्छा मम्मी जी से बात करनी है, एक मिनट अभी बात करवाती हूँ। सुन रही बुढ़िया, अगर तेरे बेटे को जरा सी भी भनक हुई ना कि मैं तुझे कैसे रखती हूँ, तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगी, समझी? ये लो मम्मी जी, बात करो। हाँ हाँ बेटा। माँ आप ठीक हो ना? हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो, हाँ मुकुल, मैं मम्मी जी का ना बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। अच्छा तुम्हें वहाँ पे बहुत काम होगा ना, तुम अपना काम कर लो, मैं यहाँ पे घर का काम कर लेती हूँ। ठीक है, मैं बाद में करता हूँ बात। ओके बाय। वैसे काजल सही है, वहाँ तुम्हारा पति फौज में सेवा कर रहा है और यहाँ तुम मेरी सेवा कर रही हो। हाँ यार तुमने बिल्कुल सही कहा, फौजी की वाइफ होने के ना अलग ही फायदे है। वो बेचारा वहाँ पे ड्यूटी कर रहा है और मैं यहाँ पे ऐश कर रही हूँ, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने ही घर पे। और रही बात उसकी माँ की, उसको तो मैंने नौकरानी बना के रखा हुआ है। बहू मेरे बाल छोड़, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चल निकल यहाँ से, क्योंकि मुझे ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। क्यों बेबी? काजल। मुकुल। बेटा तुम तो कॉल पे ये बोल रही थी कि तुम काम कर रही हो और माँ आराम कर रही है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है, क्या हो रहा है ये सब? नहीं नहीं मुकुल, जैसा तुम समझ रहे हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। क्या एक्सप्लेन करोगी तुम मुझे? तुम मेरी माँ से काम करवा लियो, उन्हें टॉर्चर कर रही हो, और तुम्हारा ये आशिक तुम्हारी गोद में लेटा हुआ है, क्या समझूं मैं इसे? मुकुल मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वैसे तुम मंथ की एंड में आने वाले थे ना, तो अभी कैसे आ गए? हाँ मैं महीने के आखिरी में आने वाला था, इसी चीज का तो तुमने फायदा उठाया है और मुझे धोखा दिया है। तुमने मेरी माँ को टॉर्चर किया और अपने इस आशिक के साथ यहाँ मजे ले लियो। तुमने यही सोचा ना कि मुझे क्या ही पता लग जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, देखो सच सामने आ गया ना। पर मुकुल मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हें पता कैसे चला। मुझे माँ ने बताया चिट्ठी भेज के, लेकिन जब मैंने चिट्ठी पढ़ी ना तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो, इसलिए मैं खुद यहाँ आ गया। लेकिन जब मैंने सच अपनी आंखों से देखा ना तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। काजल तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसा मेरी माँ ने बताया था, और ये सब देख के ना मैं टूट चुका हूँ। अरे मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने एक ऐसी लड़की से प्यार किया जो बिल्कुल गिरी हुई है। तुम्हें पता है मैं घर से दूर था, फिर भी मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मेरे घर पे जो मेरी बीवी है ना वो मेरे घर का ख्याल रखेगी, मेरी माँ का ख्याल रखेगी, लेकिन मैं गलत था। सॉरी मुकुल, मैं मानती हूँ मैंने जो भी किया सब कुछ गलत है, मुझे अपनी गलती का एहसास है, प्लीज प्लीज मुझे एक चांस दे दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। तुम्हें पता है काजल कि तुम क्या बोल रही हो, सॉरी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये इंसान जब बोलता है जब उससे जाने अनजाने में कोई गलती होती है, और तुमने ये सारी हरकत ना अपने होशो हवास में की है, ये गलती नहीं है, इसे गुनाह कहते हैं और गुनाह की कोई माफी नहीं होती है। अब चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं और तुम्हें जान से मार दूं। मुकुल जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे ना आपके साथ इतना गलत हो रहा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटा तू माफी मत मांग, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि तूने मेरी बात सुनी और सच समझकर तू खुद यहाँ पर आया और तूने मेरा साथ दिया। जीता रहे बेटा, जीता रहे।